अगर ये बबल है, ठीक है, ग्लोबली अगर ये बबल है तो ये बहुत ऊपर जाएगा, ठीक। बबल लोग कैसे खत्म नहीं होते, बबल बहुत ऊपर जाते हैं। तो अगर ये बबल है तो 16,000 भी आ सकता है। जो भी ट्रेड लो मार्च में हेज करके उसी अपने जितनी औकात है उस हिसाब से ही 16,000 भी आ सकता है आराम से, बिल्कुल आराम से। बबल है तो 17,000 भी जा सकता है। बबल जब एक्सपांड होते हैं तो फिर लिमिट नहीं होती, लेकिन फिर वो गायब भी उसी तरह होते हैं। तो पहली चीज़ हेजिंग वेजिंग करके रखना है, और जितना टाइम दूर का ले सकते हो। मैंने अभी मेरी मार्च की पोजीशन है, बट अप्रैल वगैरह का भी सोचा जा सकता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि मार्केट की ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। यूएस मार्केट अगर स्ट्रांग है तो ये सारे छुटपुट मार्केट कितना भी ऊपर जा सकते हैं, ऐसा हुआ है पास्ट में, मैं बताता हूँ, ठीक है। जो लोग मुझे जानते हैं, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो होती है उसमें मैं काफ़ी बिलीव करता हूँ। लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन वर्क करती है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ नहीं होती। लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ग्रोथ वर्सेज इन्फ्लेशन पर रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। ये इसको निफ्टी का चार्ट बोलो, इसको एक ओनियन का चार्ट रख लो ना, तो आज से 20 साल या 30 साल पहले ओनियन 2 रुपए की मिलती थी, आज शायद 2 रुपए किलो, आज शायद 10 रुपए किलो है। वापस तो कभी नहीं आने वाली, ठीक है। इस तरह निफ्टी वापस 2,000 नहीं आने वाला कभी। जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे ये ट्रेंड रहेगा कि हम भी आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों की कीमतें भी बढ़ रही है। तो इसीलिए ये ग्रोथ वाली ट्रेंड लाइन होती है, और ये इन्फ्लेशन, जब जब मार्केट में महंगाई या कोई भी चीज़ महंगी होती है तो वो नीचे आते हैं उसके प्राइसेस, चाहे वो हाउसिंग हो, कोई भी ऐसे हो, इसीलिए ट्रेंड लाइन को मैं मानता हूँ। अब ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है ये कब से है, 1999, 2003 जो भी है, इसको एक्सटेंड कर दो तो जो इनका पिछले 20 साल की ट्रेंड लाइन है ऑलमोस्ट। तो इसमें ये देखो, ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है हमेशा हमेशा, ठीक है। 2010 में टच किया, नीचे आया। 2015 में टच किया, नीचे आया। उसके बाद 2018 में, 18 में, 19 में, 19 में, ये 20 में क्रैश आया। तो अब ये ट्रेंड लाइन मार्केट क्रॉस कर चुका है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रॉस कर चुका है। ये ट्रेंड लाइन देखो तो कब क्रॉस हुई थी, ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हुई थी 2007 में, और जब ट्रेंड लाइन जैसे ही क्रॉस हुई थी, 1, 2, 3, 4 या 5 महीने मार्केट ऊपर रहा। ये मंथली चार्ट है, ओके, मंथली कैंडल है, हर एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। ये कौन सा मंथ है, अगस्त, ठीक है, अगस्त 2007, सितंबर 2007 में ट्रेंड लाइन क्रॉस की, अक्टूबर में ऊपर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में नीचे आया। तो 4 महीने इस ट्रेंड लाइन से ऊपर रहा मार्केट, फिर वो नीचे आया, और फिर उसने कुछ नहीं देखा, वो ट्रेंड लाइन वापस, फिर नीचे का भी उतना ही बड़ा करेक्शन आया जितना ऊपर गया था मार्केट ट्रेंड लाइन से, फिर उतना ही नीचे गया। तो ऐसा देखो तो कहीं नहीं हुआ, मतलब इतना बड़ा फॉल जो आया था, 2008 का क्राइसिस था, वैसे क्राइसिस आना मुश्किल है क्योंकि तब लिक्विडिटी, मनी प्रिंटिंग ये सब नहीं था। बट अब अभी अगर आप देखो तो 1, 2, 3 महीने हम मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर रहा है, ठीक है। नवंबर में क्रॉस किया इसने, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ठीक है, फरवरी हो गया, और मार्च जो है वो फोर्थ मंथ रहेगा इस ट्रेंड लाइन से ऊपर, ठीक है। मेरे जो ट्रेड्स हैं, जो टारगेट्स हैं, वो बड़े ही हैं, और मैं यहीं के लिए प्ले कर रहा हूँ, 12,000, 12,500 जब भी आए, ठीक है। मुझे मतलब नहीं है, मैं जून वगैरह के ले लूँगा, मैं टाइम को ट्रेड करूँगा। तो एक चीज़ तो ये बढ़िया रहेगी कि आप टाइम को ट्रेड करो, अप्रैल, मई, जून, जहाँ का हो सके। इवन अगर 15,000 अभी है निफ्टी, और जून का या अप्रैल का या मई का आप 15,500 या 15,000, मैं कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा भाई, लेकिन मैं बता रहा हूँ, तो उस पर आप रिस्क रिवॉर्ड देखो, क्या 2-3 महीने मार्केट यही रहने वाला है या यहाँ से ऊपर ही स्टेबल रहेगा, कब तक रहेगा, कब तक रहेगा? या तो फिर हिस्ट्री सारे रिकॉर्ड ब्रेक होने होंगे, अगर लॉस ही होना है तो मार्केट को 20-25 साल पुरानी हिस्ट्री, नई हिस्ट्री क्रिएट करना पड़ेगी, ठीक है। तो इतना ईजी नहीं है वो। तो सही ट्रेड यही है कि जो दूर के ऑप्शन हैं, जो लोग पोजिशन ट्रेड करते हैं, जितना दूर का लोगे उतना सेफ हो, अप्रैल, मई, जून, और फिलहाल मैं मार्च में हुआ तो शिफ्ट करूंगा। इस बार मुझे लग रहा है कि मार्च के फर्स्ट 2 वीक्स में उल्टा हो सकता है, मतलब हर बार मार्केट फर्स्ट 2 वीक्स मंथ के ऊपर जाता है, उसके बाद फिर फ्लैट रहता है, जो भी एक डिप देता है, इस बार हो सकता है उल्टा। तो देखता हूँ, मतलब फर्स्ट वीक मार्च का कैसा रहता है, अगर फ्लैट रहा या हल्का फुल्का बुलिश रहा तो मेरे को भी, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे को अप्रैल या मई में शिफ्ट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आप मार्केट से क्या फाइट करोगे, यहाँ पे 16,000 आएगा, आप क्या फाइट करोगे? लेकिन 16,000 आएगा तो कम से कम आपके पास 2 महीने 3 महीने का टाइम रहेगा, जितने स्पीड से 16,000, 16,500 आएगा उतनी स्पीड से नीचे भी जाएगा, ठीक है। ये देख लो, अगर नहीं है, ISR.com बबल लास्टेड फॉर 3 to 4 years, राइट, अपन दिस बबल लास्ट 24, 25। नहीं यार, मेरा पिछला वीडियो देखो, क्योंकि हम पिछले 4 साल से देखो तो 4-5 साल से कोरोना क्रैश को जो 3 महीने भी नहीं टिका उसको एक्सेप्शन मान ले, तो पिछले 4-5 साल से एक बुलिश साइकिल में है। और मंथली कैंडल पे अगर आप देखो तो ऐसा होता है कि 4-5 साल बुलिश रहते हैं, फिर 1 साल बियरिश रहता है, ठीक है, देख लेते हैं इस पर। ये मैंने पिछला वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें डिटेल में वीडियो बनाया। अगर यहाँ देखो तो ये एक बुल साइकिल शुरू हुई थी 2004 से, जो कि चली थी 2007 तक, 2008 में रीसेट हो गया था, वहाँ पर आ गए, ठीक
ठीक है, फिर एक बुल साइकिल ये मान लो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ कंसोलिडेट करता रहा, 2011-12 से शुरू हुई ये चली बुल साइकिल 2015 तक, 2016 पूरा बियरिश रहा, 2015-16 मतलब एक साल देखो तो बियरिश ही रहा। ठीक है, फिर एक यहाँ से मान लो जो एक बुल साइकिल यहाँ से शुरू हुई 2016 से, ठीक है 2016 से जो बुल साइकिल शुरू हुई तब से हम ऊपर ही हैं, ऊपर ही हैं, उसके नीचे नहीं आए। ठीक है, कोरोना वाला क्रैश आया उसके बाद हम फिर ऊपर चल गए। तो अगर इसको एक एक्सेप्शन मान ले, ये मानना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक दो 3 महीने, 3-1 महीने टिकाए, मतलब जैसे इनमें करेक्शन हुए ना, यहाँ देखो तो पूरा साल भर मार्केट नेगेटिव रहा, इधर पूरा साल भर से ज़्यादा मार्केट ने अपना हाई नहीं देखा। ठीक है, ये जो पुराने हाई बने थे, ये पुराना हाई मार्केट को देखने में एक साल से ज़्यादा लग गया, तो यहाँ पे वैसा नहीं हुआ, यहाँ पे 3 महीने 4 महीने जो भी है और मार्केट ऊपर आ गया। तो ठीक है, ग्रीन के पे ग्रीन कैंडल में इसको मतलब ये वी शेप रिकवरी है, वी शेप रिकवरी, और वो जो वी की जो पूंछ है वो तो रुकी नहीं रही है, ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं, इसलिए मैं इसको एक्सेप्शन मान रहा हूँ। ऐसा पीरियड आना चाहिए इस तरह का, एक साल ऐसा होना चाहिए जिसमें मार्केट रेंज में रहे या नीचे की तरफ जाए। ठीक है, 2007 के बाद मार्केट नीचे नीचे ही रहा, रिकवर किया, बट देन रिकवरी के बाद ऐसे कंसोलिडेट किया, ये ट्रेंड लाइन टच करके फिर कंसोलिडेट किया, मतलब ये नया ये जो हाई था इसको देखने में मार्केट को 1-2 साल लग गया, वैसा सीन कोरोना वाले क्रैश में नहीं है। तो इसीलिए 2021 में बोला है कि बियर मार्केट हो सकता है, ठीक है यहाँ आएगा नीचे और फिर बस लोग मनी प्रिंटिंग करते रह जाएंगे और मार्केट यहीं गेन करेगा। डिस्कस 1.9 ट्रिलियन पैकेज, भाई ऐसा है आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में जहाँ भी रहते हो आप, एक सब्जी बेचने वाला आता है, उससे साइकिल पे, एक रोज बाबूजी जो है साइकिल से आते हैं और रोज 50 रुपये की सब्जी खरीद के ले जाते हैं। अब वो सब्जी वाले को पता चला कि ये बाबूजी को गवर्नमेंट पैसा दे रही है, बहुत पैसा दे रही है, बाबूजी तो अमीर हो गए, तो सब्जी वाला 50 रुपये की सब्जी बेचता है ना, वो 80 की बेचेगा और 90 की बेचेगा, क्यों? क्योंकि उसे पता है बाबूजी तो अमीर हो गए। तो ये जितना फ्री का पैसा बढ़ रहा है ना, ये 1.9 ट्रिलियन पैकेज, ये पैकेज वो पैकेज, ये सही तरीका नहीं है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का, इसका एंड बुरा ही होना है, ये मेरा असेसमेंट है। इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं बायस्ड हूँ, मैं कॉमन सेंस यूज करके बोल रहा हूँ। क्या एक्चुअल कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है? नहीं बढ़ी। कुछ ऐसा चेंज हुआ है क्या कि स्टॉक मार्केट को इतना क्या बोलते हैं पढ़ते ही रहना चाहिए? ठीक है, स्टॉक मार्केट कुछ गलत नहीं कर रहा, स्टॉक मार्केट ग्रोथ देख रहा है, 2022-23 की ग्रोथ देख रहा है, उस हिसाब से मार्केट अपने आप फैक्टर कर रहा है, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो नहीं आई, या इन्फ्लेशन बढ़ गया, सब्जी वाले ने सब्जी महंगी कर दी, तो क्या ये फ्री का पैसा बांटते रहेंगे? नहीं हो सकता, नहीं हमेशा नहीं हो सकता ये। तो ये जो पैकेज मैकेज है ना, ये हाइप मीडिया क्रिएट करता है, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, लोग पास पैसा आ रहा है। ठीक है, एक लिमिट होती है हर चीज़ की, तो फैक्ट जो है मार्केट रेगुलेटर से मार्केट मैनिपुलेटर बनता जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो बस ये है कि इसका एंड कब होगा ये बोल नहीं सकते, और हो सकता है ग्रोथ हो जाए तो फैक्ट का डिसीजन सही था, लेकिन मार्केट वो ग्रोथ भी फैक्टर इन लगभग लगभग कर चुका है। ठीक है, तो ये हाइप में, मीडिया हाइप में मत बहो कि 1.9 ट्रिलियन पैकेज है, वो मार्केट पहले बढ़ चुका है भाई, वो ये 1.9 ट्रिलियन पैकेज आने वाला है, ये इनको पता था, जो करोड़ों हजारों करोड़ों में ट्रेड करते हैं इनको पता था, तभी तो मार्केट इतना बड़ा है, हमको अब पता चल रहा है, तो अब मत बोलो। ठीक है भाई, जो कंपनी का प्रॉफिट मान लो 2000 करोड़ रुपए था, 200 करोड़ रुपए था पिछले साल कोरोना के पहले, उस कंपनी की शेयर की वैल्यू थी 100 रुपये, वही कंपनी आज जो 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करती थी 2018 में, वो 2021 में 150 करोड़ रुपये प्रॉफिट करती है, चलो 200 कर रही है, लेकिन उसका शेयर प्राइस 100 से बढ़ के 400 आ गया, ये इन्फ्लेशन नहीं है तो क्या है? यही तो इन्फ्लेशन है भाई, ये निफ्टी के अभी आप एक ओनियन का चार्ट रख दो, सेम ही आएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो भाई ओनियन जो साइकिल वाले बाबूजी हैं, वो ओनियन 10 रुपये की जगह 100 रुपये में खरीदने लगे, ओनियन तो नहीं बदली ना, वही ओनियन है, तो ये इन्फ्लेशन नहीं है तो ये क्या है? स्टॉक मार्केट सबसे पहले दिखा देता है इन्फ्लेशन, चीज़ों की कीमतें बाद में बढ़ती हैं। ठीक है, तो जो कंपनीज जो प्रॉफिट 2018-19 में कर रही थी वही आज कर रही है, लेकिन शेयर प्राइस 4-4 गुना हो गया, ये इन्फ्लेशन।